हो रही है। ओके जी, तो हम पी और क्यू से कर रहे हैं, ठीक है जी। किसे कर रहे हैं? पी और क्यू से। तो कंसीडर टू वेक्टर्स पी There two vectors P and Q having magnitudes P and Q making angle theta 1 and theta 2 with x axis are added। जी बेटा, डेरिवेशन की एडिंग तो शुरू कर दी ना, आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है जी। आंसर ही तो लिखवा रहा हूं, पहले लिखा नहीं था क्या? ठीक है, कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू हैविंग मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू मेकिंग एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विद एक्स एक्सिस आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल टू ऑब्टेन देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है जी, कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू एडेड बाय हैविंग मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एडेड बाय टेल रूल टू ऑब्टेन देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर एज शोन इन द फिगर। ये पहला स्टेप है, ये क्या है? पहला स्टेप है, सही है जी। तो डायग्राम मैं कंप्लीट बना दूंगा, सही है जी, डायग्राम मैं कंप्लीट बना दूंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। तो खुली सी डायग्राम हमने बनानी है ताकि हम चीजों को आराम से कर सकें, ठीक है जी। ठीक है, ठीक हो गया बेटा जी। ये हमारे एक्सेस हो गए, अब हमने इस पे वेक्टर्स ऐड करने हैं, ठीक है जी। एक वेक्टर आ गया, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों को करने में आसानी रहे। ये दूसरा वेक्टर आ गया और आखिर पे हमारा तीसरा वेक्टर आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तीन वेक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है, पी क्यू आर, ये उनका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। ये वेक्टर हो गया पी, ये वेक्टर हो गया क्यू, ये वेक्टर हो गया आर, ठीक है जी। तो हेड टू टेल रूल ऐड हो गए, ठीक है जी, टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है जी। P का एंगल है थीटा वन और R का एंगल है थीटा, ठीक है जी। यहाँ पे ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बनानी है, मैंने इसको बाद में बनाता हूँ, ठीक है। तो जो अभी तक बात लिखी है कि कंसीडर टू वेक्टर P एंड Q, ठीक है जी, मेकिंग एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एडेड बाय हेड टू टेल रूल टू ऑब्टेन देयर रिजल्टेंट वेक्टर R, ये बात हो गई और ये हमने ये चीज शो कर दी। अब आगे वाले जो स्टेप हैं वो पहले करके बता रहा हूँ, ठीक है जी, बाद में उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले वेक्टर पी को रिजॉल्व करूंगा उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है जी। वेक्टर पी को रिजॉल्व करूंगा उसके रेक्टेंगुलर
कॉम्पोनेंट्स में, ठीक है जी। ये P का Y कॉम्पोनेंट, ठीक है जी, ठीक है। अभी आ जाएगा बेटा, सही है था सवेरा, अभी थीटा टू लिखूंगा। और ये P का X कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। ठीक है, ये P का X कॉम्पोनेंट, ये P का Y कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। पी वाई पी एक्स, सही है जी। ये P का X कॉम्पोनेंट, P का Y कॉम्पोनेंट, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बनाएंगे Q का X कॉम्पोनेंट और Q का Y कॉम्पोनेंट। ये यहां से, ठीक है जी, ये आ गई एक लाइन, और यहां से ये आ गई एक लाइन, ठीक है जी। तो ये आ गया Q का कंपोनेंट, बाकी दोनों, सही है जी। तो ये आ गया बेटा थीटा टू, ठीक है जी। ये आ गया आपका थीटा टू। तो ये Q है, तो ये Q का Y कंपोनेंट और ये Q का X कंपोनेंट, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ठीक है जी। तवज्जो क्या करेंगे, ये साइड पी वाई है तो ये भी पी वाई है, ठीक है जी। ये क्यू एक्स है तो ये भी क्यू एक्स है, ठीक हो गया जी। पी और क्यू को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, पी और क्यू को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। पी और क्यू को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तवज्जो रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो पी का वर्टिकल कंपोनेंट पी वाई, हॉरिजेंटल कंपोनेंट पी एक्स। क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट क्यू वाई, ठीक है जी, और क्यू एक्स। ये भी जगह पी वाई के बराबर है, ये भी पी वाई, ये दोनों क्यू एक्स। तो आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जरा तवज्जो से देखें। तो ये पूरा, ठीक है जी, आर एक्स के बराबर हो जाएगा और ये पूरा आर वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। यानी के रिजल्टेंट के, ठीक है जी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये रिजल्टेंट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसके अंदर दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट आ रहे हैं। ये आ गई एक्स एक्सिस, ठीक है जी, और ये आपकी वाई एक्सिस। फिगर आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको बना ले तो फिर हम आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल है तो कर लो, ठीक है बेटा। फिगर मैंने बना दी है, किसी का कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर आगे चलेंगे। ओके, मेरे पास जगह मौजूद है तो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है जी। पुराने दोबारा पढ़ देता हूँ, ठीक है। Consider two vectors P and Q having magnitude P and Q, making angle theta 1 and theta 2 with x axis are added by head to tail rule to obtain their resultant vector R as shown in the figure. Diagram हमने पूरी बना ली, ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद डायग्राम को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। डायग्राम को हमने मजीद एक्सप्लेन करना है कि डायग्राम में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने
वेक्टर पी को रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व किया है, ठीक है जी। वेक्टर पी को रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में हमने सबसे पहले रिजोल्व किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अब ये स्टेप दूसरा, ठीक है जी। रिजोल्विंग वेक्टर पी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, रिजोल्विंग वेक्टर पी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है जी। पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है जी। पी एक्स एंड पी वाई, कोई हेडिंग नहीं है बेटा, कोई हेडिंग नहीं है। रिजोल्विंग वेक्टर पी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट वेक्टर्स इज गिवन एज, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट वेक्टर्स इज गिवन एज, ठीक है जी। पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा वन, पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा, सही है। ये वेक्टर पी जो है वो अपने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्विंग वेक्टर पी इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट पी एक्स एंड पी वाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कॉम्पोनेंट वेक्टर्स इज गिवन एज पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा वन, ठीक है जी, और पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा वन। ये वेक्टर पी रिजॉल्व हो गया। कोई परेशानी यहां तक, किसी को कोई मसला है तो बता दीजिए। ये लिख लिया सबने, कोई लिख रहा है तो मुझे वेट का कह दे, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा फिर। कोई लिख रहा है तो मुझे वेट करने का कह दे, मैं उसको चेंज करूंगा। मरियम जल्दी करें, शाबाश। अब्दुल्ला जल्दी करें, नुमान जल्दी करें, शाबाश बेटा। नुमान बेटा जल्दी करें, अरीब जल्दी करें, शाबाश, आप दोनों का वेट कर रहा हूँ। अरीब नुमान कहाँ रह गए बेटा, जल्दी करो। अच्छा जी, अब ठीक है, डायग्राम भी मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी मैं जो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं इसमें ज़रूरत, ये ख़त्म हो गई, ठीक है जी। इनिशियलाइजेशन हमने पहले कर लिया, ठीक है। अब हमने अच्छा जो नीचे ये ब्लू में लिखा है इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा, तो मेरा दूसरी, तो ये हो गया वैक्टर पी को हमने रिजॉल्व कर लिया। किसको रिजॉल्व कर लिया? वैक्टर पी को, ठीक है जी। अब रिजॉल्व करते हैं Q को, ठीक है जी। तो ये P यहाँ से गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, ठीक है जी, और यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रिजॉल्विंग वेक्टर Q सिमिलरली करके आ जाएगा,
Similarly, resolve the vector q into its rectangular component qx and qy. The magnitude of these component vectors is given as qx equal to q cos theta 2, qy equal to q sin theta 2. ठीक है जी, ये वेक्टर q रिजॉल्व हो गया। ये वेक्टर q रिजॉल्व हो गया। पहले वेक्टर p को हमने रिजॉल्व किया, अब हमने वेक्टर q को रिजॉल्व कर दिया। कॉपी कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है जी, बल्कि आगे मेरे पास जगह मौजूद है, मैं वो ये हो गया। ठीक है जी, अब आप इसको लिखते रहें। ठीक है, ये q रिजॉल्व हो गया। अब मैं x और y कंपोनेंट का रिजल्टेंट के लिए x और y कंपोनेंट, ठीक है जी, द रिजल्टेंट वेक्टर The resultant vector along x-axis, the resultant बेटा मैंने मिटा दी अलिजबा, वो दोबारा नहीं लिख सकता। ठीक है, फिगर के ऊपर लिखा था पी एक्स इक्वल टू क्यू कॉस थीटा वन, पी कॉस थीटा वन और पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा वन। अच्छा, द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट vectors along x-axis। ठीक है जी, कहता है कि resultant vector along x-axis कैसे निकालेंगे, तमाम x-axis x component को add करेंगे, तमाम x component को add करेंगे। The sum of magnitudes, the sum of magnitude of x component is given by rx equal to px plus qx। ठीक है जी, रिजल्टेंट आपका r है, तो rx equal to px plus qx। ठीक है जी, और आर एक्स इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू पी कॉस थीटा वन, क्यू एक्स की वैल्यू क्यू कॉस थीटा टू। ठीक है जी, द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, उनको तमाम को ऐड कर ले। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, और उनका मैग्नीट्यूड कैसे देंगे, आर एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स की वैल्यू पी कॉस थीटा वन, क्यू एक्स की वैल्यू क्यू कॉस थीटा टू। ठीक है जी, यहाँ तक आ जाए। ठीक है, पहले ये स्टेप लिखें, सही है जी, यहाँ तक आ जाए, आके मुझे बता दें तो फिर हम आगे चलेंगे। कोई आदमी लिख रहा है तो वेट करने का बोल दे।
सवेरा कौन सा लास्ट स्टेप बेटा? लास्ट स्टेप में हमने ये कहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर एक्स कैसे निकालेंगे, कि क्यू एक्स और पी एक्स को ऐड करेंगे। आर एक्स कैसे निकालेंगे? क्यू एक्स और पी एक्स को ऐड करेंगे, ठीक है जी। और आर एक्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? पी एक्स और क्यू एक्स के मैग्नीट्यूड के, दोनों को ऐड करेंगे तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आर एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स हो गया। पी एक्स की वैल्यू डाल दी पी कॉस थीटा वन और क्यू एक्स की वैल्यू डाल दी क्यू कॉस थीटा टू। जी कोई आदमी वेट लिख रहा है तो वेट करने का कह दो, अदरवाइज फिर आगे चलेंगे। ओके तो अब ये जो मैंने लास्ट एक्स एक्स की वो लिखी है, इसमें एड थोड़ी सी, अब सिमिलरली द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स की जगह आ जाएगा वाई एक्सिस, अलजेब्रिक सम ऑफ वाई एक्सिस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक है जी। एक्स सारा खत्म हो जाएगा, सही है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है जी। सिमिलर द रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y axis is given by algebraic sum of component vector along y axis. The sum of magnitude of y component is given by r y equal to p y plus q y or r y equal to p sin theta 1 plus q sin theta 2. ठीक है, ये नीचे वाला सब छुट्टी, ठीक है। डायग्राम की भी छुट्टी कर रहा हूँ और मैं डायग्राम भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का निकाला, उसी तरह हमने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकाल दिया, ठीक है जी। एक्स की जगह वाई आ गया, बाकी सिमिलर काम किया, ठीक है। जो एक्स का स्टेप है वो ही वाई का स्टेप है। मरियम क्या समझ नहीं आया बेटा? क्या समझ नहीं आया? मरियम क्या समझ नहीं आया? जिस तरह रिजल्टेंट वेक्टर एक्स का निकाला उसी तरह वाई का निकाला, यानी आर वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पी वाई और क्यू वाई को ऐड करेंगे, कर लिया जी। तो आर वाई का मैग्नीट्यूड पी वाई और क्यू वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो पी वाई पी साइन थीटा वन, क्यू वाई क्यू साइन थीटा टू। तो ये क्या निकल आए? एक्स और वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है जी, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारा, ठीक है जी, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन एज आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है जी। आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट, पुटिंग देयर वैल्यूज, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर यानी P cos theta 1 plus Q cos theta 2 का whole square plus P sin theta 1 plus Q sin theta 2 का whole square, ठीक है जी। ये आ गया resultant का magnitude।
ठीक है जी, फॉर डायरेक्शन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका आर वाई, बेस आपका आर एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो, अदरवाइज हमारा आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। किसी का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, अदरवाइज आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस। ठीक है जी, तो एफ टू का स्क्वायर इक्वल टू 7500 रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो एफ टू कितना आएगा। हाँ जी बताओ कितना आ रहा है। बेटा ये ऐड हो रहे हैं, इनका रूट कैसे कैंसिल होगा मुझे बताओ। फिफ्टी का स्क्वायर 2500 हो गया, ये वैसे का वैसे का, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी को कोई कंफ्यूजन। दो फोर्सेस थी, ठीक है जी, एक फोर्स 100 न्यूटन उसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है 50 न्यूटन, दूसरा निकालना है हमने, उसका नाम एफ टू रख दिया। फार्मूला आपके सामने, एफ इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज फिर क्लास ऑफ करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है बेटा, क्लास ऑफ करेंगे, अल्लाह हाफिज़।